पूर्णिया के धमधा रामलाल महाविद्यालय में करीब 3000 छात्र छात्राओं का नामांकन है और 3000 छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए केवल 4 शिक्षक यहां तैनात हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन 4 शिक्षकों के बदौलत 3000 छात्र छात्राओं की सफल पढ़ाई की उम्मीद पाले बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ 54 शिक्षकों का पद है जिसमें 50 सेवानिवृत्त हो गए हैं और 4 अभी कार्यरत हैं। यह महाविद्यालय पूर्णिया यूनिवर्सिटी प्रशासन के उदासीन रवैये को दिखाने के लिए पर्याप्त है कि शिक्षा के प्रति पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन कितना जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर कमाल साहब ने अपने अथक प्रयास से व्यवस्थाएं भले ही मजबूत कर दी हों और लगातार करने की कोशिश भी की जा रही है, किंतु शिक्षकों की कमी को ये पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को काम करने की जरूरत है, किंतु पूर्णिया यूनिवर्सिटी प्रशासन की उदासीन रवैये के कारण वह मूल काम ही नहीं हो रहा है जिसके लिए महाविद्यालय खोला गया है। महाविद्यालय का मूल मकसद शिक्षा देना है और शिक्षा देने के लिए पहली प्राथमिकता है कि शिक्षक रहें, व्यवस्थाएं हों, किंतु यहाँ व्यवस्थाएं तो हैं और लगातार बढ़ भी रही हैं, किंतु शिक्षकों की भारी कमी ने पूर्णिया यूनिवर्सिटी का पोल खोलकर रख दिया है। प्राचार्य डॉक्टर कमाल ने खुद बताया कि उनके पास सुविधाओं की कमी नहीं है, किंतु शिक्षक की भारी कमी है। 54 पद सृजित हैं जिसमें केवल 4 शिक्षक ही बचे हुए हैं, बाकी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन का ध्यान नहीं आया है। वे किसी तरह से केवल काम चला रहे हैं, किंतु शिक्षकों के नहीं रहने के बाद भी पढ़ाई कैसे हो सकती है, कैसे मैनेज किया जा सकता है, इन बातों को आप समझ सकते हैं। जहां 54 पद शिक्षकों का हो और वहां केवल 4 बच गए हों, ऐसे में 3000 छात्र छात्राओं की पढ़ाई को मैनेज करना कितना मुश्किल होगा, ये तो आसानी से समझा जा सकता है। यहां 50 लाख की लागत से साइंस लैब भी बन रहा है, 5 अतिरिक्त कमरे भी बनाए गए हैं, टेबल बेंच लगाया गया है, स्मार्ट बोर्ड भी लगाए गए हैं, बच्चे भी पर्याप्त हैं, लाइब्रेरी है, किंतु शिक्षक का हाल सुनकर सब कुछ बेकार नजर आता है। इसीलिए सरकारी कामों पर लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है। इसके लिए कोई और नहीं बल्कि सरकारी तंत्र ही जिम्मेदार है। शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्थाएं लाख हो, किंतु शिक्षक ही नहीं हो तो जरा सोचिए कि शिक्षा बच्चों को कैसे दी जा सकती है। क्या यह सब कुछ शिक्षा के नाम पर केवल ढिंढोरा पिटने जैसा नहीं है? और हालात देखकर लगता है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी और बिहार सरकार को शिक्षा प्रदान करने से कोई खास मतलब नहीं है, उन्हें केवल शिक्षा के नाम पर ढिंढोरा पिटने और रुपये का बंदर बांट करने से ही मतलब है। तभी तो करीब 3000 छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ तो यहाँ इस महाविद्यालय में मैंने भाई 20 दिसंबर 2023 को मैंने ज्वाइन किया, तो आते ही पहले तो मैंने ये देखा कि पूरा महाविद्यालय अंधकार में डूबा हुआ है। कहीं एक जगह पे एक छोटी सी बल्ब एक ढिबरी की तरह जल रही थी, हा? और उसमें हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि यहाँ पर पहले रोशनी की व्यवस्था की जाए। तो एक सप्ताह के अंदर अंदर वायरिंग और इत्यादि में जहाँ कहीं भी कोई फॉल्ट था उसको दुरुस्त किया गया और नए सिरे से वायरिंग करके उसमें लाइट की व्यवस्था की गई। फिर देखा कि क्लासरूम वगैरह का बहुत ही अभाव है, तो कुछ ऐसे कमरे थे जो कि इस तरह से ऐसे ही जाम किए गए थे, तो मिला जुला करके कितने 5 कमरे, हाँ 5 कमरे साफ़ सुथरा किए गए, और तो 5 कमरे हुए। और बाद में सभी लोगों का सहयोग रहा इसमें, बाद में हम लोगों ने 6 क्लासरूम बनवाए, हाँ ऊपर में टीन का शेड दे करके 6 क्लासरूम बने, 6 क्लासरूम बने, दो शौचालय बने, और पानी पीने का भी बहुत कष्ट था यहाँ पर शिक्षक शिक्षकेतर छात्राओं के लिए, तो ठंडे पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई। उधर जा कर के देख सकते हैं उसका अंत, ये हिम सलीला उसका नाम रखा गया है, ठंडा ठंडा मीठा पानी है, तो इसीलिए उसका
हिमसलीला नाम रखा गया। तो पेयजल की व्यवस्था वो हुई। फिर स्मारक का काम, सच पूछिए तो मुझे स्मारक वगैरह का जो अधूरा काम जो पड़ा हुआ था उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर भेजा गया था। तो दो स्मारक का काम पहले से पड़ा हुआ था, उन दोनों को पूरा करवाया है। मूल संस्थापक रामलाल बाबू, उनके उनका एक स्मारक और दूसरा स्मारक उनकी धर्मपत्नी रासमणि देवी जी का। तो दोनों स्मारक का काम तो दो ढाई महीने तीन महीने के अंदर अंदर वो पूरे हो गए। और इसी दिसंबर महीने में, दिसंबर 2023 में ही सूर्यनारायण बाबू का निधन हो गया, जो धमदाहा क्षेत्र के दो बार एमएलए रहे हैं। तो सबका ये विचार हुआ कि उनके नाम से भी एक स्मारक बनाया जाए, तो उनके लिए भी एक स्मारक का निर्माण हो गया है। उसके लिए मूर्ति वगैरह भी बन गई है, मूर्ति स्थापित होगी कुछ ही दिनों में, और वो तीसरा स्मारक भी हमारा लगभग तैयार हो गया है सर। और उसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय सूर्यनारायण बाबू के ही सत प्रयास से अभी से लगभग 12 वर्ष पूर्व सरकार से 50 लाख की राशि मिली थी साइंस ब्लॉक बनाने के लिए, यानी साइंस के लैब क्लासरूम इत्यादि बनाने के लिए। तो वो राशि बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, तो उसका उपयोग करते हुए उनके नाम से ही एक साइंस ब्लॉक यहाँ पर काम शुरू हुआ है। उसको ले जाके अभी हम लोग दिखलाएंगे आपको। तो अभी जस्ट उसकी नींव पड़ी है, फाउंडेशन हुआ है, पिलर भी खड़े हो गए हैं उसमें। सर पहले हम लोग आते थे तो यहाँ बच्चों को बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं होती थी, मतलब टेबल बेंच एक सब नहीं हुआ करता था। तो क्या अब वो तमाम चीज़ें जो प्रॉब्लम, अब पहले की बात तो अब मैं उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन अभी ऐसी बात तो नहीं है, अभी सब कुछ ठीक ठाक। हाँ अभी 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 की बात ये है कि अभी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय की एक बड़ी परीक्षा हुई है, GLM कॉलेज बनबनबक्की का यहाँ पर सेंटर हुआ है, काफ़ी दिनों तक परीक्षा चली है, और फिर उसके बाद तुरंत प्रैक्टिकल परीक्षा भी हुई। बच्चों की संख्या, कंट्रोलर हमारे सामने विद्यमान है प्रोफेसर NK राय साहब, इन्होंने कंडक्ट करवाया है सब कुछ। बच्चों की संख्या लगभग 3000 है डिग्री में। अब तो आप जानते ही इंटरमीडिएट को हटा दिया गया है, इंटरमीडिएट के रहते हुए 5000 के लगभग संख्या थी यहाँ पर, अभी 3000 के लगभग। शिक्षक की यहाँ पर बहुत कमी है, तो शिक्षक की, हाँ यहाँ पर कुल मिलाकर के शिक्षक के 54 पद हैं स्वीकृत पद, और अभी केवल 4 रह गए हैं, केवल 54 में 4। ऐसी अद्भुत स्थिति दूसरे किसी कॉलेज में नहीं। आप समझ सकते हैं कि परीक्षा के आयोजन में हमको कितनी दिक्कत हुई होगी। तो सर काम कैसे चला, मतलब दूसरी जगहों से लेकर के परीक्षा किसी तरह से करवाई हमने, ये कुछ रिटायर्ड टीचर को लेकर के, दूसरे कॉलेज के टीचर्स को लेकर के ऐसा प्रावधान है, तो किसी तरह से हम लोगों ने किया है ना, बहुत ही कठिन हालात में वो परीक्षा ली गई। तो इस संबंध में मैं मीडिया कर्मी बंधुओं से मतलब मैं अनुरोध करूंगा कि इस चीज़ को थोड़ा हाईलाइट किया जाए। अभी अभी मालूम हुआ कि BBSC में इंटरव्यू वगैरह हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, और साइकोलॉजी में बहुत सारे टीचर्स सिलेक्टेड होकर के आए हैं पूर्णिया विश्वविद्यालय में। तो हमारे यहाँ सभी सब्जेक्ट हैं ना, ये कॉलेज छोटा सा देखने में लगता है, लेकिन यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, है ना, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, हाँ ये सभी सब्जेक्ट पूर्णिया कॉलेज में नहीं है लेकिन यहाँ पे है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंट एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है।
अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर भट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फर्शियन यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूँ, आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टेक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।